ये जो क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है ना, ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम, ठीक है ना, बोर्ड परीक्षा, बोर्ड परीक्षा 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन कक्षा 10 की जो बोर्ड परीक्षा हुई थी, गणित का पेपर, उसमें आया हुआ है, ठीक है। तो इसको पहले अपन अच्छे से देख लेते हैं और फिर इसको सोल्व करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या ज्ञात करना है अपनों को, तो देखो क्वेश्चन पढ़ते हैं। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? माध्य। अब देखो माध्य ज्ञात करना है तो माध्य का सूत्र लिखते हैं सबसे पहले। तो माध्य का सूत्र होता है माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है। तो सिग्मा, इस सिग्मा का मतलब होता है जोड़ना। इस सिग्मा का मतलब क्या जो होता है? जोड़ना, ठीक है। अब देखो एफ, एफ दे रखा है अपनों को, एक्स एक्स दे रखा है, ठीक है। नीचे भी एफ है तो एफ अपनों को दे रखा है, ठीक है। तो जो चीज़ इसमें ज्ञात करनी है वो दे रखी है इसमें, ठीक है। अब इसको सोल्व करते हैं, इसको सोल्व कैसे करें, ठीक है। तो सबसे पहले देखो मैं इसको सही तरीके से लिख लेता हूँ एक बार, है ना। तो मैंने यहाँ लिखा एफ और फिर लिखूंगा मैं यहाँ पे एक्स, ठीक है ना। इस तरीके से लिख लेता हूँ इसको, एफ का मान है 2, ठीक है। तो ये 2 रखा, फिर क्या है? 4, तो ये 4, फिर 5, 5, फिर 4, 4, फिर 2 और फिर 2, तो ये 2, ठीक है ना। पहले सबसे पहले मैं एफ का मान रखा 2, 4, 5, 4, 2, 2। अब किसका मान? एक्स का। एक्स का मान क्या है? पहले पहले एक एक, उसके बाद क्या है? 2, 2, उसके बाद 3, 3, उसके बाद 4, 4, उसके बाद 5, 5, उसके बाद 6, 6, ठीक है। अब देखो सूत्र में, देखो f को x से गुणा कर रखा है तभी तो एफ एक्स होगा ना, तो यहाँ पे भी f को x से गुणा कर देते हैं, ठीक है। तो देखो मैंने f को x से गुणा किया तो एफ एक्स बन गया। 2 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या होगा? 2 एकम 2, 2 को 1 से गुणा करूँगा तो क्या होगा? देखो 2 और 1 को गुणा किया तो 2 एकम 2, ठीक है। 4 को 2 से गुणा किया तो कितना होगा? 8, 4 दूना 8। 5 को 3 से गुणा किया तो कितना होगा? 5 3 15। 4 को 4 से गुणा किया तो 4 चौक 16, ठीक है। 5 को 2 से किया तो 5 दूना 10। 6 को 2 से किया तो कितना हो गया? 12, ठीक है ना। 6 को 2 से कर लो या 2 को 6 से कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, गुणा करने पर रोका हुआ आ जाएगा। ये लिख दिया। अब देखो सूत्र में, देखो सिग्मा एफ एक्स अपनों ने ज्ञात कर लिया। सिग्मा का मतलब क्या होता है? जोड़ना। तो इन सभी को जोड़ो, इन सभी को जोड़ो तो क्या आ जाएगा अपना? सिग्मा एफ एक्स, ठीक है ना। देखो देखो सबसे पहले तो क्या किया था उन्होंने? एफ को एक्स से गुणा किया तो क्या आया? एफ एक्स आया। एफ को एक्स से गुणा किया तो एफ एक्स आया। अब इन सभी को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा अपना? सिग्मा एफ एक्स। और ऐसे ही देखो सिग्मा एफ ज्ञात करना है तो एफ वाली सारी संख्याओं को जोड़ दो, एफ वाली सारी संख्याओं को जोड़ दो तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। अब देखो जोड़ते हैं, 2 और 4 6, 6 और 5 11, 6 5 11, 11 और 4 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो कितना आया? 19। एक बार और जोड़ लेते हैं, 4 2 और 4 6, 6 और 5 11, 11 और 5 15, 15 और 2 17, 17 और 2 19, तो सिग्मा एफ कितना आ गया? 19। ऐसे इनको भी जोड़ते हैं, देखो 2 और 8 10, ठीक है, 10 और 15 25, 25 और 16, 25 और 16 देखो कितने हो जाएंगे, इधर जोड़ लेते हैं 25 और 16, तो 5 और 6 11 का 1, हासिल का 1,
दो तीन और एक चार, 41। कितने हो? 41। 41 में 10 जोड़ेंगे तो 51। 41 में 10 जोड़े तो कितने हो गए? 51। 51 में 12 जोड़े तो कितने हो जाएंगे? देखो, दो और एक तीन, पाँच और एक छः, 63। तो यहाँ आ गया 63। तो सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आ गया? 63। सिग्मा एफ का मान कितना है? 19। इनको एफ एक्स को सभी को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ एक्स, और एफ को जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा? सिग्मा एफ। ठीक है, अब सूत्र में रखना है बस मान को। देखो सूत्र क्या था अपना, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान कितना आया अपना? 63। तो ये 63, और सिग्मा एफ का मान कितना आया? 19। ठीक है, 19। तो ये आंसर है अपना, 63/19। अब इसमें भाग दे लो, भाग देते हैं तो देखो, भाग दे के देखते हैं। तो ये मैंने लिखा यहाँ पे 63। ये जो कर रहा हूँ ना, ये वाला कार्य ये रफ में करना है ना, 19 का भाग देना। तो 19 से कम 19, 2 ने 38, 29 57, 3 बार जाएगा 57। घटाओ, 13 में से 7 गए तो कितने बचेंगे? 13 में से 7 घटाओ तो 3 और 4 6, ठीक है ना। अब 5 में से 5 जाएंगे तो 0। पॉइंट लगाया तो क्या आ गया? 60। और वापस 19 दिया 57, वापस कितने बचेंगे? 3। 10 एक इधर से उधार लिया, 10 10 में 7 गए तो 3 बचेंगे। अब वापस पॉइंट का वापस 0, 19 2 38 ज़्यादा 19 से कम 19। तो इसका आंसर आ जाएगा अपना 3.31। तो जो अपना क्वेश्चन था उसका माध्य क्या आ गया अपना? 3.31। तो इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से करें। ये 2 नंबर वाला क्वेश्चन था, ठीक है ना, एग्जाम में आया हुआ था, 2 नंबर का क्वेश्चन था। तो ऐसे बिल्कुल इस तरीके से करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है ना। सबसे पहले एफ और एक्स दे रखा है तो एफ एक्स को गुणा कर दो, फिर एफ एक्स को जोड़ दो, सिग्मा एफ को जोड़ दो, एफ वाले को जोड़ दोगे तो सिग्मा एफ आ जाएगा, एफ एक्स वाले को जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स आ जाएगा, और सिग्मा एफ एक्स में सिग्मा एफ का भाग देना है तो माध्य आ जाएगा। सिंपल तरीका है बिल्कुल, ठीक है ना। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू।